अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे छोले का पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए होगा चावल चाहिए। हमने तकरीबन 4 कप चावल भिगोए हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 खाने के चम्मच फ्राई की हुई प्याज, 10 दाने आलू बुखारे, छोले और मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी खाने की चम्मच, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 चिकन क्यूब्स, थोड़ी सी इलायची और हमने ये वाला पुलाव का मसाला आधा पैकेट लिया है। ये तकरीबन 4 कप चावल है, 2 दाने टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ की, थोड़ी हरी मिर्चें, 1 कप दही, आधी कप दही तकरीबन, थोड़ा सा लेमन वाटर ये हमें चाहिए होगा। अभी सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करते हैं। में हम डालते थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन हमें ऑयल चाहिए होगा 6 खाने के चम्मच तकरीबन। उसमें हम करेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड, तकरीबन 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हम 2 चिकन क्यूब्स भी ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें हरी मिर्च ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे जो हमने काटी हुई थी ना। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तेल थोड़ा गर्म हो फिर हम इसमें फ्राई करेंगे पहले इसको। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में छोले ऐड कर दिए, बॉईल किए हुए थे हमने पहले से। अब हम इसमें ये फ्राई अनियन जो थी 1 कप, तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच है, ये हमने ऐड कर दी इसमें। अब हम इसमें सारे मसाले जो हमने किए थे वो सारे ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे ये। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, हमारे 2 टमाटर थे। टमाटर भी अपना पानी छोड़ देगा तो अभी हम पानी फिलहाल नहीं डाल रहे। अच्छे से इसको भूनेंगे, अभी हम मसाले और सारी चीज़ें इसमें हम भूनेंगे। आग हमने रखी है तकरीबन हल्की है, हम अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से भूनेंगे पहले, मसाले और टमाटर अच्छे से गल जाए इसमें। फिर हम इसमें अब डालेंगे दही, तकरीबन 1 कप दही हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच नींबू पानी इसमें ऐड करेंगे, 1 2 तकरीबन 2, हाँ थोड़ा खट्टा खट्टा आता है ना फिर अच्छा लगता है।
अब हमने इसको अच्छे से भून लिया तकरीबन। अब हमने इसको 10 मिनट हमने इसको भूना। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमारे चावल तकरीबन 4 कप है, तो ये भी तकरीबन हमने 4 कप पानी लिया है। अब इसको थोड़ा एक उबाल आने देंगे हम, उसके बाद हम इसके ऊपर अभी ढक्कन रख के थोड़ी देर छोड़ देंगे कि पानी अच्छे से उबले, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे 5 मिनट बाद। अब इस तरह पानी में एक उबाल आ जाए ना अच्छे से इसके, तो अब हम इस पे इस स्टेज में हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल तकरीबन हमारे 4 कप है। इतना पानी होना चाहिए कि चावल इसमें डूब जाए अच्छे से। आप थोड़े से ऊपर ही कम हो पानी के चावलों से, तो बस अब हम इसमें थोड़ी देर पकने देंगे। पानी थोड़ा सा सूख जाए इस स्टेज में अब हम इसमें आलू बुखारे डाल देंगे। हमने नमक इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि चिकन क्यूब भी तकरीबन उसमें भी नमक होता है, और हमने ये वाला पुलाव मसाला लिया है तकरीबन आधा, हमने ये वाला शान का है, ये शान पुलाव बिरयानी मसाला ये हमने इसमें ऐड किया। इसमें भी तकरीबन नमक होता है तो हमने नमक नहीं डाला। बस अब हम इसको दम लगा देंगे, फिर आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये बहुत मज़े होते हैं, आप लोग खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस अब हम इसको दम कर देंगे। जब हमने इसको दम कर दिया, ये सिल्वर पेपर लगा दिया हमने ढक्कन को, तो तकरीबन अभी हम इसको 20 मिनट दम रखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। खोल के देखेंगे, देखिए चावल कितने खिले खिले और अच्छे बने। हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। हमारा पुलाव रेडी हो गया है, देखिए कितने मज़े का लग रहा है। देखिए देखिए ले चावल है, तो बस आप भी इंजॉय करें अच्छे से। ओके, अल्लाह हाफिज़।